दोस्तों विंबलडन इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रेस्टीजियस टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन ने पिछले साल 58.7 मिलियन डॉलर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया था और 2021 में 54.2 मिलियन डॉलर्स का, और इस साल प्राइज मनी 44.7 मिलियन पाउंड्स यानी 56.52 मिलियन डॉलर्स है, जो पिछले साल से ऑलमोस्ट 11.2% का इंक्रीज है। एक मजे की बात यह भी है कि 2020 में कोविड की वजह से जब टूर्नामेंट कैंसिल हो गया था, तब भी क्लब ने 50 मिलियन डॉलर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। कैसे? अपनी 200 मिलियन डॉलर्स इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से। पर इनका रेवेन्यू बेसिकली पांच चीजों से आता है। पहला, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, जो कि 56% रेवेन्यू देता है, ऑलमोस्ट 200 मिलियन डॉलर्स। दूसरा, स्पॉन्सरशिप, जिसमें 16% रेवेन्यू आता है, अप्रॉक्सिमेटली 58 मिलियन डॉलर्स। तीसरा है टिकट सेल्स, विच इज अगेन 16% ऑफ द रेवेन्यू, अप्रॉक्सिमेटली 58 मिलियन डॉलर्स। और चौथा है कंसेशंस एंड मर्चेंडाइज, जिसमें 12% रेवेन्यू आता है, अप्रॉक्सिमेटली 42 मिलियन डॉलर्स।